कॉल आया मेरी एक क्लाइंट का, उसने मुझे बोला यार मेरा एग्जाम है और मैंने लंच स्किप कर दिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या खा सकती हूँ। मैंने कहा ओट्स बना ले यार फटाफट, दो मिनट में बन भी जाएंगे पानी वाले, फ्रूट्स डाल ले या सब्जियाँ डाल के मसाला ओट्स बना ले। उसने कहा ओके। उसने मुझे पिक्चर भेज दी इंस्टेंट ओट्स की, जो पैकेट का मार्केट से आता है वो उसने पानी में उबाला एंड वो खा लिया। मैंने देखा कि उसके अंदर जो सब्जियाँ थी वो फ्रेश सब्जियाँ नहीं थी, पुरानी सब्जियाँ लग रही थी जो कि प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू स्टोर की जाती है पैकेट के अंदर। सो नमस्ते जी, मेरा नाम है सुमन एंड आज हम बात करेंगे विंटर्स की तीन ओट्स की रेसिपीज़ जो कि वेट लॉस में आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ ओट्स कैसे हेल्प करेगा आपके वेट लॉस में उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो ओट्स जो है वो हाई इन फाइबर होता है, वो सबको पता है, एंड बाकी ग्रेन्स के कंपैरिजन में ओट्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जिन जिन लोगों को ग्लूटेन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, जिनसे रोटी नहीं खाई जाती, जिनको फास्ट वेट लॉस चाहिए होता है, जिनको बहुत बार 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 भूख लग जाती है, जो कि फूडी बहुत ज़्यादा होते हैं, ओट्स जो होता है खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगता। हाई इन फाइबर की हेल्प से वो आपके स्टमक को क्लीन कर देता है, आपके डिटॉक्स का काम करता है एंड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक लाइक मैं आपको कैसे समझाऊँ, उसका जो टेस्ट होता है बहुत सॉफ्टी सॉफ्टी सा टेस्ट होता है, जो कि आप उसको मीठा भी बना सकते हो, आप उसको नमकीन भी बना सकते हो, आप उसको फ्रूट्स के साथ भी मिक्स कर सकते हो, आप उसको सब्जियों के साथ मसाला ओट्स भी बना सकते हो, उसकी खिचड़ी भी बना सकते हो, उसको दालों के साथ मिला के भी खिचड़ी बन सकती है। अब यहाँ पे मेरी एक क्लाइंट थी, वो प्रेग्नेंट, मैंने उसे कुछ कुछ सजेशन दिए कि वाइट राइस को बिल्कुल नहीं लेना पूरी प्रेगनेंसी, आप सिंपली ओट्स किनवा या फिर आप मिलेट्स को ऐड करेंगे राइस की रिप्लेसमेंट में। उस लेडी ने अपना 9 kg वेट गेन करा था पूरी प्रेगनेंसी, ओट्स भी खाए उसने बहुत ज़्यादा राइस को एक्सचेंज करके लंच में, काफ़ी टाइम मैक्सिमम टाइम उसने ओट्स खाए थे, 3 kg का उसका बेबी था, बाकी उसका वेट गेन हुआ था। सो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में वो अपनी प्रेगनेंसी को कवर कर गई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओट्स की। नाउ ओट्स जो है वो बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में भी लिया जा सकता है, कुकीज़ में भी लिया जा सकता है, आप उसके हेल्दी केक भी बना सकते हो, आप उसको मसाले में भी बना सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन जिन लोगों को बहुत फास्ट वेट लॉस चाहिए होता है, जिन जिन लोगों को भूख लगने की बड़ी बीमारी होती है, मुझे भूख लग गई अब मैं और क्या खाऊँ, वो लोग ओट्स अपनी डाइट में डेली बेसिस पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ओट्स को 15 दिन तक अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पर ऐड करते हो, रोटी को छोड़कर बाकी ग्रेन्स को छोड़ के ब्रेकफास्ट में कुछ भी बड़ी ऐसी मील बना के, जो कि आप एन नंबर ऑफ रेसिपीज ओट्स से बना सकते हो, ट्रस्ट मी आपका इजीली वेट शेड होगा 5 से 6 kg इन जस्ट 15 days। आज की वीडियो में हम बात करते हैं तीन विंटर्स की ओट्स की रेसिपीज़ की, और वो कैसी रेसिपीज़ हैं। नंबर 1 रेसिपी है हमारे स्टील कट ओट्स की खिचड़ी, और वो कैसे बनाने हैं चलते किचन। सो इतना एक कप जितना मैं ओट्स डाल रही हूँ, स्टील कट ओट्स, और ये इस तरीके से दिखते हैं। अब इसको हम वाटर में अच्छे से वॉश करेंगे, 2-3 बार अब इसको वॉश करेंगे हम अच्छे से, 2 से 3 बार। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हमारा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, बस। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे हमारे कड़ी पत्ता, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूं मेरा जीरा, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूं मेरे प्याज, नेक्स्ट थोड़ी सी मेरे पास है शिमला मिर्ची, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा बोले तो आधी शिमला मिर्ची, 1 टमाटर, जितनी सब्जियां आपको पसंद हो। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले नमक, हल्दी पाउडर, हिंग पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, और बस। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे। कुछ लेडीज होती है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, फटाफट क्विक रेसिपी चाहिए, 2 मिनट में बनने वाली, नहीं तो हाथ चल जाएगा स्विगी और जोमेटो पे। सो इससे बेहतर है हम ये रेसिपी बनाएंगे, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। नेक्स्ट लास्ट मैंने जो अपना स्टील कट ओट्स धो के रखे हुए थे ये मैंने इसमें डाल दिए फटाफट, एंड इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा पानी। केटल में ऑलरेडी मैं पानी गर्म करके रखती हूँ ताकि मेरे पास कम टाइम है, मुझे पता है, और मेरा टाइम बच जाए और खाना फटाफट बन जाए। इसमें मैंने डाला है 1/2 कटोरी स्टील कट ओट्स के लिए, पूरा 1 गिलास जितना पानी, और अब हम इसको व्हिसल लगाएंगे
अब टाइम का उतना ही वेट करना है जितनी देर में विसल लगे। तो हमारा विसल लगेगा एक तेज आंच पे, तीन सिम आंच पे। ओके एंड हियर वी गो। कोजी विंटर्स की मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रेडी एंड इट्स रेडी। सेकेंड रेसिपी हम बात करते हैं ओट्स पुडिंग की, जो कि विंटर्स की वार्म हॉट ओट्स पुडिंग है एंड ये बहुत ही यम्मी है, बहुत ही सिंपल है, चलते किचन में बनाने। नेक्स्ट रेसिपी हमारी है ओट्स पुडिंग। ना ओट्स पुडिंग के लिए यहाँ पे मेरे पास है मल्टीग्रेन ओट्स। ना इस ओट्स के अंदर ना ऑलरेडी सब कुछ मिला के देते हैं, फ्लैक्स सीड, रागी, वीट एंड ये जो ओट्स हैं मैंने काफ़ी बारी अपने ब्लॉग्स में 75 डेज चैलेंज में आप लोगों को दिखाई हैं। सो ये ओट्स मैं बहुत लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ रियली गुड। अगर आपको कोई और मल्टीग्रेन ओट्स मिलते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये रे, ये लो इन कार्ब है, हाई इन फाइबर है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ओट्स पुडिंग एंड वो बहुत यम्मी होगी कोजी विंटर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है नट्स, इनको मैंने गर्म पानी में भिगो देना है। जब तक हमारी पुडिंग जो है बनेगी, तैयार होगी, तब तक ये सोक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा ओट्स पुडिंग। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ मिल्क, यहाँ पे मैं ले रही हूँ फुल फैट मिल्क, एक गिलास जितना है यहाँ पे फुल फैट मिल्क। गैस में ऑन कर देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मेरे ओट्स, एक कप जितने ये डाल दिए मैंने ओट्स। और अब हम इसको बहुत अच्छे से कुक करेंगे, सेमी लिक्विड रखेंगे हम इसको ना। ओके, अब हम बनाते हैं पुडिंग। हमारा सेमी लिक्विड फॉर्म का हमारा जो ओट्स है ये बिल्कुल रेडी है। ओके, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे हमारे बहुत सारा ड्राई फ्रूट। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा थोड़ा सा अनार। कोई भी दो सीजनल फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी बेरीज अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हनी। और मैंने ये भी दिखाया था आपको अपने 75 डेज ब्लॉग के उसमें चैलेंज में, मैं ये बहुत शौक से खाती हूँ एंड ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट बन चुका है। नंबर थ्री, अब हम बात करते हैं पिज्ज़ा की। नाउ पिज्ज़ा जो है वो बतेरी तरीकों से बनता है। कभी आपने ओट्स के बेस का पिज्ज़ा खाया है और सुपर यम्मी थिन क्रस्ट पिज्ज़ा, और इतना सिंपल रेसिपी कैसे बनाने हैं चलते हैं किचन में। अब हम बना रहे हैं ओट्स पिज्ज़ा। ना ओट्स पिज्ज़ा के लिए ये रहे मेरे पास ओट्स, रोल्ड ओट्स हैं। मेरा पूरा घर अभी बैठ के सारे वेट कर रहे हैं कब उनको खाने को मिलेगा। एनीवेज, इसको अब हम बनाएंगे पाउडर फॉर्म में, मिक्सी में पीसेंगे बहुत अच्छे से। ओके, ये रहा हमारा ओट्स का आटा बेस के लिए। ओके, सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा नमक बेस में, पिंच ऑफ अजवाइन। ओके, नेक्स्ट हमने जो पेड़ा लेना है वो थोड़ा सा थिक लेना है। ओके, इसको हम देंगे प्रॉपर शेप, अदरवाइज ना खाने में फीलिंग नहीं आएगी ओट्स पिज्ज़ा। हो गया। ओके, यहाँ पे मेरा जो पैन है वो गर्म हो गया है, सिम आंच पे हम इसको पकाएंगे। ओके, अब आधी कच्ची पकी हमारी जो बेस है ओट्स का, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ हमस। आप रेडीमेड हमस भी ले सकते हो, घर पे वाइट चने से हमस बना सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। यहाँ पे मैं स्प्रेडिंग के लिए लगा रही हूँ हमारा हमस, थोड़ा सा प्रोटीन का हम इसमें टच दे देते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर डालेंगे बहुत सारी हमारी सब्जियाँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मेरा टमाटर, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ डालेंगे, इसको ओवरलोड नहीं करते। गैस बिल्कुल सिम कर देना टमाटर के बाद। नेक्स्ट मैं इसको डाल रही हूँ मशरूम, थोड़े बहुत मशरूम्स यहाँ पे डल गए हमारे। जौन सी भी सब्जियाँ आपका मन है, जैसी भी सब्जियों का आपका मन है। अच्छा, नेक्स्ट टमाटर थोड़े से और हम डाल देते हैं यहाँ पर। गैस बिल्कुल सिम कर देना। प्याज,
एंड मेक श्योर आप कॉर्नर्स पे ज़्यादा लगाओ, कॉर्नर्स हमारे हल्के रह जाते हैं फिर स्वाद नहीं बैठता यार। नेक्स्ट शिमला मिर्ची, कोई सी भी कलर की शिमला मिर्ची, यहाँ पे पीली मेरे पास घर पे पड़ी थी, मैंने पीली यूज़ कर ली, ये रही शिमला मिर्ची। थोड़ा सा और सब्जियाँ एंड लास्ट में मैं लगाऊंगी थोड़ी बहुत ब्रोकली मेरी, ये रही रंग बिरंगे हमारा पिज्ज़ा बनेगा बढ़िया से। ओके नेक्स्ट इसके ऊपर मैं डालूंगी बहुत सारी मेरी ऑलिव्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा चीज़, ये मेरा लो फैट चीज़ है, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया अच्छे से। ओके ओके अब हम इसको पकने के लिए इसको कवर कर देंगे, इसको बहुत अच्छे से पकने देंगे, सिम आँच कर दो, बिल्कुल बिल्कुल सिम कर दो आप इसको। और अब मैं एक और मेजर स्टेप ही भूल गई, हमारा इम्पोर्टेंट नमक, नमक ही भूल गई तो फिर खाएगा कैसे बंदा। डाल दिया मैंने नमक और अब हम इसको कर देंगे ढक देंगे बिल्कुल अच्छे से और इसको क्रिस्पी होने देंगे थिन क्रस्ट पिज्जा जैसा नीचे से। ओके सेम आंच पे रखने के बाद हमारा चीज़ पूरा मेल्ट हो गया है, इसको थोड़ा सा मोर पकाएंगे, थोड़ा सा और। ओके सो हैवी गो loaded with lots of vegetables, lots of cheese, thin crust, एकदम करारा करारा। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं यहाँ पर पिज्ज़ा मसाला जो कि सरना ने याद दिलाया, हम तो ऐसे ही खा लें। ओके नेक्स्ट बहुत थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला एंड नाउ अब हम इसको कट करेंगे, बहुत गर्म है। वेलकम बैक जी, सो ये थी मेरी ओट्स की तीन विंटर्स की रेसिपीज़। अब विंटर्स की क्रेविंग्स को हम कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे वाया 10 रेसिपीज़ ओनली। सो यार लूज़ योर वेट मैक्स टू मैक्स एंड मेक श्योर आप अच्छे से अपना फ्रेश कुक खाना बनाओ। बाहर के प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं लेंगे, इंस्टेंट वाली चीज़ों को हम बिल्कुल डाइट में ऐड नहीं करेंगे। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जी, टेक केयर जी, बाय बाय।